नहीं तो आप हमारी वेबसाइट पर आकर हिंदी और उर्दू में हमारी खबरों को पढ़ सकते हैं चलते हैं बुलेटिन की पहली खबर की तरफ देश का रक्षा कवच है संविधान और आज इस पर सबसे बड़ा संकट है या यूं कहें कि आज संविधान संकट में है यह कहना है ममता बनर्जी का कल वो विधानसभा हॉल में आयोजित संविधान दिवस के मौके पर बोल रही थी उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां सभी जातियों के सभी धर्मों के सभी समुदायों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और ऐसे लोगों को किस तरह से एक साथ लेकर आगे बढ़ा जाए ये हमारा संविधान बताता है और उनके जो अधिकार हैं वो उनको किस तरह से मिलने चाहिए ये संविधान बताता है और कैसे उनको तमाम अधिकारों की रक्षा उनके की जानी चाहिए ये हमारा संविधान बताता है और इसी सब के लिए संविधान का गठन किया गया था लेकिन आज की सत्ता में बैठे कुछ खास लोग जो हैं वो संविधान का खुला उल्लंघन कर रहे हैं खुला दुरुपयोग कर रहे हैं और वो संविधान को ख़त्म करने की कोशिशों में लगे हुए हैं लेकिन संविधान को बचाना बहुत ज़रूरी है ताज़ा प्रमाण के तौर पर हम लोग देख सकते हैं उन्हीं का कहना है कि महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ कि रात के अंधेरे में बगैर कैबिनेट के राज राष्ट्रपति शासन को हटवा दिया जाता है और राष्ट्रपति भी हटा देते हैं और उसके बाद गुपचुप ढंग से मुख्यमंत्री को शपथ दिला दी जाती है यह पूरा का पूरा मामला वो कहती हैं और इसी तरीके से हम देख सकते हैं जम्मू कश्मीर का हाल जहाँ पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता को पिछले सौ दिन से ज़्यादा से कैद करके रखा गया है तो ये लोग जो सत्ता में बैठे हैं वो इस वक्त उनकी वजह से संविधान संकट में है हमें संविधान को उसकी उसी भावना के साथ जिंदा रखना होगा और इसके लिए हमें आंदोलन करना होगा लड़ना होगा तभी हम अपने संविधान को बचा पाएंगे वरना आज के लोग संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं यह सब उन्होंने कहा दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं आप लोग जानते हैं कि 26 नवंबर उन्नीस को संविधान को अडॉप्ट किया गया था यानी कि हिंदी में कहें तो अंगीकार किया गया था और 26 जनवरी उन्नीस को संविधान को लागू किया गया संविधान मतलब एक ऐसी किताब जिससे तय किया गया कि भारत जो है कानून से चलेगा रूल ऑफ लॉ होगा जबकि हमारे बगल में जो हमारे से कट के बना वो धर्म के आधार पर एक देश बन रहा था जिसका नाम है पाकिस्तान बावजूद उसके उस वक़्त हमारी लीडरशिप ने तय किया कि नहीं हम लोग एक धर्म निरपेक्ष रहेंगे और हमारी जो किताब है असल वो किसी धर्म की किताब नहीं होगी उनका धर्म का जो सिस्टम है वो वो माने लेकिन देश चलेगा संविधान से तो उस संविधान दिवस का मौका था कल लेकिन कल भी बंगाल में एक ऐसी तस्वीर उभरी जो सोचने को भी बश करती है कि वहां पे क्या हालात बन गए हैं संविधान दिवस के मौके पर अलग अलग प्रोग्राम का आयोजन किया गया विधानसभा के अंदर और राजभवन के अंदर यानी कि जहां पे राज्यपाल बैठते हैं राज्यपाल द्वारा आयोजित प्रोग्राम में मुख्यमंत्री नहीं पहुंची हालांकि विधानसभा के प्रोग्राम में विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी के बुलावे पर राज्यपाल जरूर पहुंचे लेकिन वहां भी ममता बनर्जी जो सी हैं और जगदीप धनखड़ जो राज्यपाल हैं उन दोनों के बीच की दूरी साफ तौर पर खुलकर दिखाई दी संविधान दिवस के दिन ममता बनर्जी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि हेलीकॉप्टर को लेकर हमें बदनाम करने की कोशिश की जाती है लेकिन हेलीकॉप्टर हमारे पास नहीं है अपना पीपीपी मॉडल का हेलीकॉप्टर है और उसको लेकर हंगामा किया जाता है और पता नहीं मैं जानती हूँ ये जो राज्यपाल हैं वो किनके बुलावे पर किन के भेजने पर यहाँ पे आए हैं और वो किस मकसद के तहत यहाँ पे आए हैं वहीं राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने भी निशाना साधा कि कुछ लोग यहाँ पर संवैधानिक पदों की मर्यादा का ख्याल नहीं रखते हैं यानी कि वो अपने बारे में कह रहे हैं कि उनका कोई ख्याल नहीं रखता है तो इस तरीके की बातें कल भी वहाँ देखने को मिली हैं जो कि बहुत ही शायद शर्मनाक हैं लेकिन क्या करें राज्यपाल के जरिए तो सब जगह गेम हो रही है कर्नाटक देख लीजिए आपके सामने पश्चिम बंगाल अब देख लीजिए आपके सामने महाराष्ट्र है आठ बजे राज्यपाल गुपचुप ढंग से चोरी से शपथ दिला देता है बनी की दुकान चल रही है क्या कि किसी टाइम पर खोल दो किसी टाइम बंद कर दो कोई सिस्टम नहीं है क्या सोचिएगा अगली खबर का रुख कर लेते हैं क्या बंगाल में नहीं लागू होगा फोस्टैग क्योंकि अभी तक यहाँ स्थिति साफ नहीं हो पा रही है बता दें आपको फोस्टैग एक ऐसा स्टिकर है जिसे आपको अपनी गाड़ी के ऊपर लगाना है वीडी स्क्रीन पर गाड़ी मतलब कार आप ये ऑनलाइन खरीद सकते हैं एक दिसंबर से देश में लागू होने जा रहा है इस वीडियो स्क्रीन पर लगाने का फायदा ये होगा कि जैसे ही आप किसी टोल प्लाजा पर पहुँचेंगे तो वहाँ लगे हुए सेंसर आपकी गाड़ी के इस, इस स्टिकर को जिसे फोस्टैग बताया जा रहा है उसको स्कैन कर लेगा और स्कैन करने के बाद आपके अकाउंट में जो पहले से आप एक वॉलेट टाइप का तौर पे यूज़ करेंगे रिचार्ज करा लेंगे जैसे मेट्रो का कार्ड होता है ना जी वैसे आप रिचार्ज करा के रखेंगे तो आपके फोस्ट टैग को वो स्कैन कर लेगा सेंसर और आपका जो भी टोल बन रहा है वो कट जाएगा उससे बेनिफिट ये होगा कि जो टोल प्लाजा हैं उन पर जो लंबा लंबा जाम लगता है उससे आपको निजात मिल जाएगी तमाम बैंक आज से इसको ऑनलाइन भी बेच रहे हैं अपनी शाखाओं में भी बेच रहे हैं वहाँ से भी खरीद सकते हैं ऑनलाइन जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको तमाम फॉर्मेलिटी देनी पड़ेगी अपनी गाड़ी की आर इंश्योरेंस लाइसेंस अलाना फलाना जो भी कुछ है वो देना पड़ेगा कम से कम बताया जा रहा है कि सौ रुपये रिचार्ज है और उससे ऊपर ज़्यादा के भी रिचार्ज वहाँ पे हैं आप जितना चाहें उतना रिचार्ज करा सकते हैं लेकिन लगता नहीं है कि ये पश्चिम बंगाल में लागू होगा क्यों क्योंकि अभी यहाँ पर स्थिति साफ़ नहीं हो पा रही है बता दें आपको कि एक सितंबर से लागू हुआ था नया मोटर व्हीकल एक्ट उसको भी पश्चिम बंगाल ने लागू करने से साफ इनकार कर दिया था हालांकि बाद में दूसरे राज्यों में बसी हुई बीजेपी की सरकारें उन्होंने भी लागू करने में आनाकानी दिखाई लागू तो किया लेकिन कहा कि जुर्माना आधा कर देते हैं क्योंकि जब लोगों का गुस्सा सामने आने लगा कि इतने की तो स्कूटी भी नहीं जितने का चालान हो जा रहा है तो फोर्स चेक के मामले में भी ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है क्या बंगाल में लागू होगा क्योंकि एक दिसंबर से लागू होना है और नहीं लागू हुआ तो क्या चीज़ वहाँ निकलेगी क्या लोगों की गाड़ियाँ टोल पे कैसे पास होंगी क्या लोग फिर वही कैश की सुविधा का इस्तेमाल करेंगे ये देखना दिलचस्प होने जा रहा है अगली खबर का रुख कर लेते हैं पुलिस बनकर गाड़ियों से वसूली किया करता था टीएमसी का एक नेता उसे गिरफ्तार कर लिया गया है यानी कि वो धरा गया है बताया जा रहा है कि बहरमपुर का एक इलाका पड़ता है करबला वहाँ करबला रोड पर कमर्शियल वाहनों से यानी कि जो माल ढोने वाले वाहन हैं गाड़ियाँ हैं उनसे पुलिस वाला बनकर वसूली किया करता था ड्राइवर्स ने आला अधिकारी को जानकारी दी आला अधिकारी ने रिपोर्ट दर्ज कर कर इसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है बताया जा रहा है जो इस नेता का नाम है वरुण माझी इसका नाम है लेकिन इसका आरोप है कि मैं किसी से कोई वसूली नहीं करता था मैं अपनी ससुराल से वापस लौट रहा था मेरी कार एक ट्रक से टकरा गई उसके बाद विवाद हो गया कहाँ सुनी हो गई और उसके बाद इन लोगों ने मेरे खिलाफ ये झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया है पर मुझे अब लग रहा है कि वो जो ट्रक मेरी कार से टकराया वो साजिश के साथ टकराया और पहले से सोचे समझे तरीके से सब चीज़ें की गई थी कि जैसे गाड़ी टकराएगी उसके बाद विवाद होगा विवाद होने के बाद हम इस पर इल्ज़ाम लगा देंगे कि पुलिस वाला बनकर यहाँ पर कमर्शियल वाहनों से वसूली करता है पाँचवीं और आखिरी खबर का रुख कर लेते हैं सब्जी खरीदने के दौरान विवाद हुआ और टीएमसी के कार्यकर्ता की लाठी और सरियों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई हालांकि जिस वक्त सुबह विवाद हुआ उस वक्त आसपास मौजूद लोगों ने दो जो लोग थे उनको अलग कर दिया समझा बुझा के शांत कर दिया लेकिन उनमें से एक शख्स जब शाम को वापस अपने घर लौट रहा था उसी का फायदा उठाकर दूसरे शख्स ने लाठी और सरियों से अपने साथियों के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया और मौके पर ही उसकी हत्या कर दी गई मृतक टीएमसी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है बांकुड़ा के सारंगा थाना क्षेत्र के एक इलाका पड़ता है जनवाणी जी जमवाणी जमवाणी गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया है जैसे मैंने बताया सुबह खरीदारी को लेकर विवाद हुआ और रात में हत्या कर दी गई मृतक का नाम बताया जा रहा है माहेती और जो आरोपी है उसका नाम बताया जा रहा है अंचित दास अभी तक अंचित दास गिरफ्तार नहीं हुआ है रिपोर्ट दर्ज करके पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है जैसे जैसे चीज़ें आती रहती हैं वैसे आपके सामने रिपोर्ट करते रहते हैं क्योंकि हमारा काम है रिपोर्ट करना ना कि कोई नैरेटिव या धारणा आपके सामने गढ़ना फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं खबर को लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या वलते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँ हाजिर फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाजत